पतंजलि ऋषिकुल, कक्षा 5, विषय संस्कृत, पाठ 10, मृगशाला, सर्वनाम पदानि। सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग सब परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्दों से तो आप पूर्व परिचित हैं। आज हम लोग इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग चित्र के अनुसार करना सीखेंगे। आपको ये तो पता ही है कि संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के लिंग और वचन के अनुरूप होता है। जैसे यहां देखिए, एक वृक्ष है तो ये वृक्ष संस्कृत शब्द क्या हुआ, वृक्ष। अवृक्ष पुल्लिंग शब्द है, क्यों पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि वृक्ष अकारांत शब्द है, अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, तो ये वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ सर्वनाम शब्द एष प्रयोग हुआ है। वृक्ष एक वचनम है तो इसके साथ एक वचनम एष वृक्ष का अर्थ हुआ ए, यह पेड़। सह वृक्ष वह पेड़। द्विवचनम, ये देखिए दो पेड़ हैं, तो दो पेड़ को संस्कृत बोलेंगे वृक्षौ, वृक्षौ द्विवचनम है तो इसके साथ सर्वनाम शब्द द्विवचन का प्रयोग होगा एतौ, एतौ द्विवचनम है, एतौ वृक्षौ ये दो पेड़, तौ वृक्षौ वे दो पेड़। ये देखिए बहुवचनम, दो से अधिक है, एते संस्कृत में क्या बोलेंगे, एते सर्वनाम शब्द एते, और ये वृक्षा बहुवचनम है ना, वृक्षा बहुवचनम है इसलिए ये भी सर्वनाम शब्द भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, एते एते वृक्षा ये सब पेड़, ते वृक्षा वे सब पेड़। अब देखिए स्त्रीलिंग माला, ये माला है ना, माला आकारांत शब्द है इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके साथ स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे हम, तो एषा माला, ये एक माला है इसलिए एक वचनम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, एषा माला, यह माला, सा माला, वह माला। अब ये देखिए दो मालाएं हैं तो द्विवचन क्या होगा माला का, माले, तो इसके साथ द्विवचन प्रयोग किया गया है सर्वनाम शब्द भी एते, एते माले, ये दोनों मालाएं। अब ते माले, वे दोनों मालाएं, वे दो मालाएं, ये दो मालाएं। अब ये देखिए दो से अधिक है तो एता स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, एता सर्वनाम शब्द बहुवचन, एता माला ये सब मालाएं, ता माला वे सब मालाएं। नपुंसक लिंगम, आपको मैंने बताया था पत्रम, पत्रम नपुंसक लिंग शब्द है, क्यों, क्योंकि इसके अंतिम वर्ण जो है म हलयुक्त म आया है, इसलिए न पत्रम नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसके साथ नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा एतद, क्योंकि एक है पत्रम मीन्स एक पत्ता, तो इसके साथ सर्वनाम शब्द एतद एक वचनम प्रयोग होगा, एतत पत्रम यह पत्ता, तत पत्रम वह पत्ता। अब ये देखिए पत्रे, पत्रे मीन्स दो पत्ते, तो द्विवचन है ये इसलिए एते द्विवचनम प्रयोग हुआ है, एते पत्रे ये दो पत्ते, ते पत्रे वे दो पत्ते। अब ये देखिए दो से अधिक है बहुवचनम है, पत्राणी बहुवचनम है इसलिए सर्वनाम शब्द बहुवचन प्रयोग हुआ है, एतानि पत्राणि ये सब पत्ते, तानि पत्राणि वे सब पत्ते। कहने का मतलब है कि संज्ञा शब्द जो भी होगा उसके अनुसार सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा लिंग और वचन को देखते हुए, ठीक है। अब माला एक वचन है तो एते नहीं आ सकता इसके साथ, क्योंकि एते द्विवचन है, एते किसके साथ आएगा, माले के साथ आएगा, क्योंकि माले मीन्स दो मालाएं, तो इसके साथ एते का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से
पत्रम नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसके साथ एषः नहीं आ सकता क्योंकि एषः पुल्लिंग शब्द है, तो इसके साथ एतत् नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग हुआ। नपुंसक लिंग शब्द एतत् है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द के साथ में, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द के साथ में संज्ञा शब्द भी पुल्लिंग ही होना जरूरी है। स्त्रीलिंग अगर शब्द है तो उसके साथ सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग ही होगा। नपुंसक लिंग अगर कोई शब्द है उसका वचन और लिंग के अनुसार, जैसे वचन अगर द्विवचन है तो उसके साथ एते द्विवचन सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग होगा। अगर बहुवचन है पत्राणि तो उसके साथ बहुवचन सर्वनाम शब्द का ही हम प्रयोग करेंगे। आशा है बच्चों आपको ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना आ गया होगा। धन्यवाद।